ये हनुमान के नाम से डर चुके, ये आरएलपी के नाम से डर चुके, इनको पता चल गया कि हम हार रहे। लगा लो तुम्हारी ताकत कितनी लगाने, कितने जुल्म कराओगे हमारे ऊपर? पहले से भी तो बहुत बड़े जुल्म करा रहे थे आप, क्या क्या करोगे आप? कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त और क्या क्या अटकंडाज बनाना चाहेगी? मेरा चैलेंज है, वो चुनाव हार रही है, वो हारते हुए उनका उनका ना दिमाग खराब हो गया है। वो लोग को पता नहीं है कि हम क्या है। ये आरएलपी की देखो, ये सेना, ये हनुमान की सेना, ये बाबूलाल के कार्यकर्ता, ये चुनाव जिताएंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं, ताकत लगा लेना तुम तुम्हारी। ये जो तुम लोगों ने प्रशासन के थ्रू हमारा माइक बंद कराया ना, हम भूलेंगे नहीं। मनोज मेघवाल चाहे संतोष मेघवाल हो, ये जातिवाद का जहर तुम लोगों ने घोल रखा है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये हमारा वादा है। क्या कहेंगे आप प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की जो माइक बंद करवाना किस मुद्दे की ओर ले जा रहे हैं? सुजानगढ़ कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये जो तीसरी ताकत राजस्थान के साथ साथ सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर उभर के आ रही है, उसके अंदर सरकार बौखला गई है, लेकिन ये तेजा भक्त और भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, ये ऐसे प्रशासन से डरने वाले नहीं है। अगर इन पे लाठियां भांगेंगे तो ये लोग खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दोनों नेताओं की बात सुन के जाएंगे, उनका संदेश लेके गांव और ढाणी तक जाने का काम ये तेजा भक्त और भीम आर्मी के लोग करने वाले है। और यहाँ पे सुजानगढ़ का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, जो 3 तारीख का दिन एक स्पेशल डे होगा सुजानगढ़ के लिए। और भाई बाबूलाल जी कुलदीप भारी मतों से जीत के सुजानगढ़ जाने का काम होगा। आज यहाँ असम के मुख्यमंत्री आए सुजानगढ़ में और मुस्लिम वर्ग पर खास तौर से हल्ला बोला कि कांग्रेस मुसलमानों को पालने वाली, मुल्लों को पालने वाली, काजियों को पालने वाली पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे असम के इस मुख्यमंत्री के इस प्रकार के भाषण पे? मैं तो उस आदमी पे बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज सुजानगढ़ में वो क्या बोलने के आए हैं, जब आसाम से यहाँ चला गया है तो मणिपुर बाजू में था, जब वहाँ की बहनों को नग्न करके सड़कों पे दौड़ा रहे थे, तब मर गया था क्या वो मुख्यमंत्री? एक स्टेटमेंट नहीं आया था बहनों के लिए। और जो स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हो, जो 2014 में चूड़ियाँ निकाल के नाटक करती थी, गैस सिलेंडर रख के नाटक करती थी, उस टाइम में 350 रुपये में सिलेंडर आता था और आज 1050 रुपये में सिलेंडर आ रहा है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी आंखें तो अपने पड़ोसी मणिपुर की बहनों के लिए नहीं खुली, तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ की जनता जनार्दन या भीम सेना के सारे कर्मठ योद्धा और तेजा भक्त है, वो सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भक्त है और बाबूलाल जी कुलदीप को जिताने का काम करेंगे और 3 तारीख को विधानसभा में जाएंगे भारी बहुमत के साथ में। तो अब ये सभा होगी या नहीं होगी? हनुमान जी बेनीवाल का समर्थन होगा या नहीं होगा? ये भाई ये आने वाले थे लेकिन सूर्यास्त हो गया है, इसलिए ये ऑनलाइन अपनी सभा को संबोधित करेंगे, वो दिख गए ना। ऑनलाइन सभा को संबोधित करेंगे हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। प्रशासन द्वारा इस प्रकार इस कार्यक्रम को बंद करवाने के लिए आए और कार्यक्रम को बंद भी कर दिया, लेकिन आचार संहिता के नियमों के अनुसार 48 घंटे पहले कोई भी पार्टी प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है। और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद कुछ देर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता, सुजानगढ़ की जनता जो यहाँ इकट्ठी हुई है वो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए इकट्ठा हुई। राम राम, साहब जय हिंद, जय भारत, जय तेरी।